तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम चार दोस्त सुबह सुबह दिल्ली से निकलकर शाम तक जैसलमेर पहुंच जाते हैं और जैसलमेर पहुंचते ही हमारे को वहां पर एक ट्रैवल एजेंट मिलता है जिसका नाम रहता है फिरोज, जो कि हमें मदद करता है वहां पर अकोमोडेशन बुक करने में और पूरे जो जैसलमेर की जो ट्रिप है उसको प्लान करने में। और जैसे ही हमारा जो अकोमोडेशन है और वो जो पूरा जो ट्रैवल प्लान है जैसलमेर का वो फिक्स हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग अपने रूम में कुछ देर आराम करते हैं और कुछ देर रूम में आराम करने के बाद हम लोग शाम का इवनिंग स्नैक्स ग्रहण करके हम लोग जैसलमेर फोर्ट के आसपास की जगह को रात में थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुको रुको रुको। जैसा कि हम लोग जैसलमेर फोर्ट के आसपास के एरिया का निरीक्षण कर रहे थे, हमारी नजर अचानक से भांग शॉप पे पड़ती है, द गवर्नमेंट ऑथराइज भांग शॉप। तो फिर क्या था, हम लोग फटाफट भांग शॉप के पास पहुंचते हैं और भांग शॉप के पास पहुंचते ही हमारा जो सबसे पहला जो डिस्कशन होता है हम चारों के बीच वो ये होता है, हम लोग भांग पीने जा रहे हैं। ठीक है, मेरा तो मतलब मैंने बहुत बार पी लिया है। आपने पिया है भांग पहले? आप शरीफ, आपने बहुत सवाल नहीं थे, उन्होंने भी नहीं पिया और वो तो उसके तो क्या बोलते हैं आराम है। ठीक है, तो फिर क्या था, इस डिस्कशन के बाद कुछ देर तक भांग वाले भैया से कुछ गुफ्तगू करते हुए फिर उसके बाद हम लोग उनको चार गिलास भांग की मीडियम वाली ठंडई बनाने का ऑर्डर दे देते हैं और जैसे ही भांग के गिलास हमारे हाथ में आते हैं हम लोग बड़े मजे से भांग पीते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो एक्साइटेड रहता है वो हमारा लड़का अभिषेक था। साला ऐसा खुश हो रहा था जैसे उसने जिंदगी में बहुत बड़ी कोई चीज अचीव कर ली, लेकिन आगे जाके सबसे ज्यादा नौटंकी भी यही करता है, सबसे ज्यादा तबाही यही लौंडा मचाता है। आगे आगे देखो होता है। Bad boy sound, I miss him run the town. Ready for them, me say we ready for them. Ready for them because I'm pure problem. Ready for them, me say we ready for them. Bad boy sound, I miss him run the town. Bad boy sound. तो भाई अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया है और डिनर करने के बाद यार मैंने तो अपना फोटो सेशन करवा लिया और उनका फोटो सेशन चल रहा है। देखो कितना टाइम लगाते हैं फोटो पूरा क्लिक करवाने में। और हम लोगों ने जहाँ अभी डिनर किया था उसका नाम है किल्ला कॉर्नर रेस्टोरेंट। किल्ला कॉर्नर रेस्टोरेंट, यहाँ पर आप आके खा सकते हो, अच्छा है खाना। मतलब थोड़ा सर्विस थोड़ी लेट है लेकिन अच्छा है खाना। और अब वो समय आ गया था जब हम लोगों के ऊपर भांग का जो नशा है वो धीरे धीरे दिखने लग गया, जहां विशाल और अनुज बीच सड़क पे ही अलग अलग प्रकार की नौटंकियां कर रहे थे जो कि मैं आपको ज्यादा स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक छोड़ो यार तुम खुद ही देख लो मैं कितना बताऊं। भाई सबने पी ली है भांग और सबको धीरे धीरे अब उसके इफेक्ट दिख रहे हैं। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले बोला था खाऊंगा पैसे बर्बाद करो आज, और ये फिर साला जा रहा है। पी तो उसके बाद तो पता चल। ओ ढाई आ जाना, एक पता नहीं कहाँ अपने दे रहा है बैंक। सही है, पता ही नहीं चल रहा है अभी, इसको चढ़ी नहीं है। इधर है भाई, मतलब उतना नहीं लेकिन हल्का हल्का चढ़ा है, कुछ नहीं हो रहा है। बस तू भी दे थोड़ा देना, बस थोड़ा और दे। हाँ अभी पिए हैं नहीं, 11 बजे तक ओनली बता दिया भाई, डोंट वरी। देख रहे हो अभी देखते हैं यार अभी कितना चढ़ता है ना, मेन इसकी इंटेंसिटी देखना है। ठीक है, मैंने दो मीडियम प्लस किए हैं, देखो कितना चढ़ता है। नहीं चढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो चढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं सर चढ़ रखी है और पिया पिया जा रहा है, पिया जा रहा है। क्या बात है,
रुक रहा, इतना हो तो क्या, देख देख देख, इतना चौधरी बन गया भाग भी गया कि पैसे भी देने लग रहा है। इसकी भी चढ़ी है लेकिन वो साथ खड़ा है। पकड़ लिया, अभी कितने देर तक खोले रखोगे भैया? और लीटर कितने का देते हैं एक बोतल में अगर भरवाना हो तो? कुछ हुआ भी तो बोलते हैं, क्यों नहीं हुआ था? तो भैया सुन रहे हो? नहीं सुनना तुमने? लो एक बार फिर से सुन लो, सुन लो, देख लो किस लेवल की बकैती यहाँ चल रही है। और ये साले बोलते हैं कि इनको चढ़ी नहीं, भयंकर ऐसा भरा दारू से अच्छा हुआ। भाई मैं तो सेफ्टी हूँ, भारी नहीं होता ये सब, सब कुछ भारी होगा। भाई अपना लिमिट में पियो। वो आमलेट हमने बनवाया था ना बच्चन, और हम लोग भांग शॉप से भांग पी के रूम के तरफ हंसी मजाक करते करते आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से अभिषेक को पता नहीं क्या हो जाता है और साला ठेके के पास जाके खड़ा हो जाता है। पहले तो वो ठेके का चारों तरफ से निरीक्षण करता है और फिर बंद हुए ठेके को खुलवाने के पीछे पड़ जाता है। कभी तो ठेके को खुद खोलने की कोशिश करता है या फिर ठेके का जो मालिक है उसके बारे में पता करने लग जाता है। अरे पहले बैठे थे, यहीं बैठे थे वो लड़के बेचने। और अभी आप ये जो वीडियो में देख रहे हो कि अभिषेक कहीं जा रहा है, ये पता है कहाँ जा रहा है? ये उस आदमी के पास जा रहा है, उस ठेले वाले के पास जा रहा है जिसने बताया था कि ठेका इधर है, और वो उसके पास जा रहा है ताकि ये पता कर सके कि भैया ये जो ठेका है उसका मालिक कौन है, ताकि वो रात के 11:30-12 बजे ठेका खुलवा सके। और ये साले बोलते हैं कि इनको चढ़ी नहीं है। अभी क्या हुआ ना, अभी हमने ना थोड़ी सी भांग पी थी, तुम सब नॉर्मल है, हम मान रहे हैं हमें नहीं चढ़ी, और हमारा भाई है, मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ चढ़ गई है, वो अभी दोबारा चला गया है, खुद दोबारा चले गए। आदमी से पूछने की ठेका कहाँ पे है, उसने बोला कि यहाँ पे अंग्रेजी शराब मिलती है और यहाँ पे ना तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओगे ना ठेका, तो देखो मेरे पीछे ये ठेका है, उसने यहाँ मारा शटर पे ताकि कोई बाहर आए, पर कोई आया नहीं, तो वो भाई दोबारा उसके पास गए, जिसने बताया था कि यहाँ के शटर मारो तो दारू मिल जाएगी। अभी भाई थोड़ा दूर है, मैं कोशिश करता हूँ वहाँ जाने की, वो देखो वो उसको साथ में लेके आ गया, उसी को साथ में लिया है भाई, उसी को साथ में लिया है कि दारू कहाँ मिलेगी, और ये मान रहा है कि चढ़ी नहीं है। दिया, दिया, दिया। देख बरेली ये कह रहा है चढ़ी नहीं है, वही तो ओल्ड मॉन्क डबल पैसे में दे देगा। होटली बंद कर दिया, ये क्या बकचोदी है?
मजा आ रहा है मेरे ख्याल। अब इसको देख देख के बस हंसते रहो ही हंसेगा मैं। फोकस फोकस चल गई भाई अब नहीं कर रही कर दिया लगी लगी भांग बहन भांग ही है एक नशा बाकी सब तो मोमा है। अभी ये अभी वो ऐसे नहीं आता वो तेरे को झटका दे के आएगा एक बार हिट मारेगा फिर नॉर्मल लगे फिर हिट मारेगा सारे एक जगह बैठो ये जैकेट को फेंक बैठ पहले तो अभिषेक की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी फिर अचानक से अभिषेक और अनुज के बीच में गालियों का महायुद्ध छिड़ जाता है जिसका पूरा मजा मैं और विशाल ले रहे हैं। नहीं 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 मुझे नहीं चढ़ी उतने देर में विशाल हमारे पास आके हंसी मजाक कर ही रहा होता है फिर अचानक से विशाल की खिड़की से बाहर झांकने पे उसे एक बहुत अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे वो बहुत डर जाता है। विशाल के इतने बोलते ही हमारे रूम का जो माहौल है जो एक खुशनुमा माहौल हुआ करता था वो अचानक से बहुत अजीब सा होने लग जाता है। फिर हम सब के बाहर देखने पे झांकने पे हमारे को भी वो आवाज सुनाई देती है। ऑल्दो वो आवाज सुनते ही हम सब के बीच में एक बहुत अजीब सी फीलिंग होने लग जाती है, जो रूम का जो माहौल है वो बहुत अजीब सा होने लगता है, जिसके कारण मैं वो आवाज को सुनने से नकार देता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि मैंने इस प्रकार की कोई भी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, ये सिर्फ वहम है। लेकिन वो आवाज खिड़की से बाहर झांकने में हमारे को सुनाई दे रही थी और वो कोई नॉर्मल आवाज नहीं था। जहां एक तरफ हम लोग अभिषेक को संभाल रहे थे क्योंकि अभिषेक को बहुत हैवी नशा हो गया था भांग का, और दूसरी तरफ विशाल को वो आवाज सुनते ही वो भी बहुत ज्यादा डर चुका था। उस रात को खिड़की के बाहर से वो आवाज आना और साथ ही में अभिषेक का जो रात भर उठ उठ के अजीब सी हरकतें करना भांग के नशे के कारण, ये दोनों चीजें मिलकर बहुत अजीब सा माहौल क्रिएट कर रही थी हमारे रूम में। लेकिन आज भी जब भी हम चार दोस्त उस बारे में बात करते हैं तो एक समय के लिए उस पल के बारे में जरूर सोच पड़ते हैं जहां पर वो आवाज आखिर आ कहां से रही थी, किस चीज की थी आखिर वो आवाज। बिकॉज वी आर डैम श्योर कि वहां पर ना कोई बच्चा था, ना कोई औरत, ना कोई आदमी, ना कोई आदमी की जात।